क्योंकि तुम्हें बहुत ही जबरदस्त फसल हो रही है, बालियां निकलने का टाइम हो रहा है और अच्छी खासी आपने DAP यूरिया सुपर हाई पावर दवाइयां सब कुछ डाल दी, पैदावार एक मतलब आपको फसल अच्छी खासी दिख रही है। लेकिन उसमें अचानक क्या होता है कि पड़ोसी के खेत ने पड़ोसी कोई दवाई वाई डालता नहीं है, बीमारी आ रही तो आने दो, उसने ध्यान नहीं दिया, उसमें रोग उत्पन्न होता है और उसी का रोग जो वायु से उड़ के और अपने खेत में आता है कि नहीं आता है, जिसे अपन ब्लास्ट बोल सकते हैं, पीलिया रोग बोल सकते हैं, सोयाबीन में आ जाता है, ये वायु जनित रोग, यानी कि पड़ोसी के खेत में जो बीमारी आ रही है वो आगे व्यक्तिगत रोग भी ऐसे चलता है, ऐसे चलता है अपने खेत में। पड़ोसी के खेत में पहले एक दो जगह दिखेगा, फिर उसके छेकों से दिखने लगेगा और वही एक छेक अपने खेत में भी दिखेगा, एक दो चार दिन में जाओगे ना तो एक छेके की जगह आपको चार पाँच जगह दिखेगा धीरे धीरे, और वहाँ दान जो है बिल्कुल बेटी बेटी दिखेगी। ये क्या होता है, ये वायु से फैलने वाली बीमारियां होती है, जैसे कोरोना फैला था ना, एक दूसरे के खेत तोड़ते नहीं है लेकिन वो वायु से इधर से उड़ के इधर पहुंच जाते हैं, तो ये रेपक उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए बनाया गया है, जैसे ब्लास्ट है, पीलिया रोग है, फसल में वायु जनित जो रोग आते हैं। अब ये कैसे ख़त्म करता है, जैसे अपने पास एक आधार कार्ड सभी ने बनवाया होगा, आधार कार्ड बनवाने के बाद अपन उसके डायरेक्ट घर पे लाते हैं या एक लेमिनेशन करवाते हैं, पन्नी चढ़वाते हैं। से क्या होता है कि अगर उस पर तेल के या जो पानी की इकाई के अगर हाथ लग जाए तो आधार कार्ड बिल्कुल भी खराब नहीं होता है, उसे अगर कपड़े से साफ करें तो ऑटोमेटिक साफ हो जाता है। ये क्या करता है, जैसे ही आप इसको जो अच्छी खासी फसल है ना उस पर स्प्रे कर देते हैं, अगर एक स्प्रे तो ये पौधे के ऊपर जाने के बाद में एक लेमिनेशन का काम करता है, यानी कि अदृश्य परत बना देता है पौधे पे, और वो परत एक अदृश्य होती है जिसकी वजह से वायु जनित रोग अगर पड़ोसी के खेत में तो आ रहा है लेकिन आपके खेत तक नहीं आता, आ भी जाता है तो उसका जो असर है ना ये बिल्कुल उसी को रोक लेता है, असर वो नहीं देता रोग का। तो ये बहुत सारी बीमारियों से बचाने का काम करता है अपनी फसल को, और जो एक फंगीसाइड आ जाता है, फंगस लग जाती है जड़ों में, जड़गड़न हो जाता है, फफूंदी छा जाती है ना, ये उसको भी ख़त्म करने का काम करता है। ये डिब्बा, एक डिब्बा 5 से 6-7 बीघे तक अपन आराम से प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद इसकी रेट 15। लेकिन मैं ये चीजें हाँ सब दे रहे हैं, लेकिन मैं भाजी में आपको सिर्फ उन दोनों में फर्क है, वो सड़न गलन है ना, वो जो वो भी दे रहे ना, उस दवा को क्या करना है 200 ml एक बाल्टी पानी में डाल देना है और वो गाय को खिला देनी है, उससे गाय ऊपर पहुंच जाएगी। लेकिन जो मैं आपको दवा बता रहा हूँ उसको आप आधा लीटर दवा को एक बाल्टी पानी में डाल दो और गाय को पिला दो, गाय का पेट साफ हो जाएगा लेकिन वो अपने साफ पास ही रहेगी, भूख नहीं है। मेन फर्क ये है, आप मुझे बता तो सकते हैं कि वो तो दुकान वाले भी दे रहे हैं यही चीजें, दुकान वाले भी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, लेकिन दुकान वाले की दवाओं में और हमारी दवाओं में क्या फर्क है वो आपको बता रहा हूँ। हाँ ये दवाइयाँ सब प्रचार कर करके अभी दे दे रहे, आप डेली कितनी गाड़ी आती है प्रचार करने की, है ना, तो सभी का प्रचार तो सभी का चल रहा है। अब मैं आपको एक और चीज